बात देखा लोग भैया, गायिका श्रीमती गीता त्यागी और बालचंद यादव प्रकाश ऑटो मल्हैया के माध्यम से ये रिकॉर्डिंग हो रहा बा। हमें उम्मीद बा कि आप लोग के बीच ये कैसेट जाई जरूर आप लोग पसंद करबा। भूमिका लिखल गए दामनिया तंकी अब बन गया है खिलौना, जहां देखिए होती खूनों की होली, सभ्यता संस्कृति की अरती सजी, बेगुनाहों के सीने पे चलती है गोली, छोड़ इंसानियत हो गए शैतान मानो, रो रहे आज जन्नती में सुभाष गांधी, जोखन फरियाद करते कफन के लिए, सुर्म दे करी शहीदों की रोती समाधि। जोखन फरियाद करते कफन के लिए बाबा, जुर्म देखकर शहीदों की रोती समाधि। एक लाइन यहाँ कव्वाली लिखल गेल और उहे कव्वाली के टुकड़ा बा देखा बालचरण जी कव्वाली के टुकड़ा गावत थी और तो हम के गावे के पड़ी उहे कव्वाली लिखल गेल अरे मुझे तेरी हो मुझे तेरी मोहब्बत का बारे हमारे देश अब बारे हमारे देश के लोग कालीखलन कवि जी अरे सुनो जुर्मों की खेती में बबरी बागी निकलते चला कहानी शुरुआत बोल कैसन कहानी बा कब के कहानी लिखल गई बचाए हैं।
की विजय और दुष्ट का संहार हुआ, शांति सुरभित होई, प्रेम का संचार हुआ। उसी भारत में आज हो रही बर्बादी है, उसी भारत में आज हो रही बर्बादी है, शोषण हिंसा से खतरे में ई आजादी है। जिला जोधपुर की करुण ये कहानी है, जिला जोधपुर की करुण ये कहानी है, विष्णु दास की सी शक्ति जिंदगानी है। पत्नी सीमा जे करती सकी उमरिया बात, पत्नी सीमा जे करती सकी सर पे छाई दुख में ई शरीर आबा। बेटा मदन जी पढ़ाई की डगरिया में, बेटा मदन जी पढ़ाई की डगरिया में, काटे मुसीबत भैया फूस की झोपड़िया में। समय का चक्र चला पिता साथ छोड़ चले, समय का चक्र चला पिता साथ छोड़ चले, विरह में रोते तीनों खुदा मुंह को मोड़ चले, विरह में रोते तीनों खुदा मुंह को मोड़ चले, विरह में रोते तीनों खुदा मुंह को मोड़ चले। ए भैया तनी आप कहानी समझ ला, जिला जोधपुर के कहानी लिखल गई। एक घर में चार परिवार, मरद मेहरारू के बीच भगवान दुई ठे बिठा दे ले रला, एक लड़की और एक लड़का। लड़का के नाम बताया गया मदन और लड़की के नाम बतावल गई सुषमा। बाबूजी के नाम बताया गया विष्णुदास और उनके मेहरारू के नाम बतावल गई सीमा। गरीबी में जिंदगी बीतत बा, केहू तरह अपने बचपन के पढ़ावा, लेकिन एक दिन का नतीजा ये निकलल। का निकलल? कवि जी दोहा के लाइन में लिखलन, गरीबी दूजे अरे घेरल सी विपत्तिया हो, अभी सुनू के त्रस्ता कैल सी कैंसर के बीमारी, भर पेट मिले नाही केहू के भोजनावा हो, मर गईले बाबू घेरल सी कमा की बादारिया, कौर करेगा भाई साहब। एक दिन के समय ही भेल कि विष्णुदास शुरुआत ही से कैंसर के मरीज थे, धीरे धीरे रोग गढ़वा गेल, गरीबी में अपना इलाज नहीं करवा पाए। नतीजा ये निकलल कि विष्णुदास इस दुनिया को छोड़ करके चल बसे। पत्नी सीमा अपने पति के लाश के गोद में लेके रोवथिन कि आज हम बचपन के लेके कहां जाइब, केकरी सहारे जीव, रोवथिन आ रो के ये संकेत के लिए गीत बतावल गेल। हम तो से पूछी ला के लेके रोवत थे।
तरोवेली सीमा लेके अरे गोदिया में लासिया हो गोद में लेकर के रो रही है। आखिरकार हम अपने पति के दास संस्कार कैसे करें? हमार सुहाग खत्म हो गए। हे भगवान, हमर से का गलती भेल? सोच रही है, यह सोचे थिन का तब भूला मुरुझायली आजाब अरे उजड़ल चमनावा हो बचवन के लेके बीच चौराहे पर पति के लाश रख करके भीख मांगती है। बाबूजी चंदा दे दीजिए, मैं अपने पति के दाह संस्कार करूंगी। चंदा मांग रही है और मांग रही है यही भीख। क्या मांगती है? तर्ज बदल गई। तभी किया मांगेली माई अरे बहाना बिराना भी भीख मांगत मन बाबू दे दलो। हमार बाबूजी के दास संस्कार करे का हमारे माई के दे दलो चंदा। लड़का भीख मांगत मन, लेकिन आखिरकार किसी तरह भी अपने पति के दास संस्कार करती है। जब बचवन के घरे लेके आईलिन इहे सोचत हिन का तरतिया पहाड़ लागे अरे बजरा के दीना ठीक समय पर बाबू मिलना भोजनवा नतिया पहाड़ लागे बड़ा कदीनावा ठीक समय पर बाबू मिलना भोजनवा नतिया पहाड़ लागे बड़ा कदीनावा ठीक समय पर बाबू मिलना भोजनवा अब बेटी सुषमा मर शादी योगा होई गईली कैसे रही घरे आके मड़ई में सोचा थे कि हमार बेटी सियान हो गई सुषमा,
अपनी बेटी के कैसे शादी करब, आज पति तो दुनिया के छोड़ के चली गेलन, कैसे अपनी बेटी के शादी करब। बारे भगवान, भगवान भी नहीं गम बर्दाश्त करते हैं बाबू, लेकिन देखा रोवत है। भगवान कैलन का गीत बतावल गेल, कौनो भौजाई से अदेवर से लसफस चलत रहल, आ जब ओकर बड़का भैयावा आ गेल हो रामकरण भैया, तो भौजैया तनी अब कम मान जान देवरा के लगल करी, तो देवरा समझ गेल का कहलस, अरे चटनी पटनी परी चुरावे कहरे देवर के दूर दूर ना, मथारी रोवत थीन कि अध जल में पड़ली निवरिया झरझर बरसे नजरिया ना, बर्दाश्त नहीं किए भैल का। प्रभु के सायल नहीं दुखवा विपत्तिया, दुखवा विपत्तिया, प्रभु के सायल नहीं दुखवा विपत्तिया, दुखवा विपत्तिया, प्रभु के सायल नहीं दुखवा विपत्तिया, दुखवा विपत्तिया। अरे भैले मदाना भैया हो जमे भरतिया, हो जमे भरतिया, भैले मदाना भैया हो जमे भरतिया, हो जमे भरतिया, भैले मदाना भैया हो जमे भरतिया, हो जमे भरतिया। हर हर बरसे नजरिया गौर करेंगे, संजोग ऐसा भेल कि पढ़ाई लिखाई के दौरान में मदन भैया फौज में बहाली हो गए, ट्रेनिंग करने के लिए जा रहे, माई रो के कहन की बेटा मत जा, मदन कहन की नाई माई हम आई 6 महीना के बाद आई तो बहिन के धूमधाम से ब्याह करब, कभी टेरी की लाइन में लिख देलन, अरे पतझड़ी में तब बहार आ गई, अरे खिला फूल चमन में बिहा सुती है डार, गौर करेंगे भाई साहब, संजोग देखे जवान लड़की सुषमा रहल लड़कियों के साथ गांव में खेलने के लिए जाती है, घूमने के लिए जाती है, उसी गांव का एक गुंडा जिस गुंडा का नाम बताया गया घोगा गुंडा, उसके जी में यही काम था, माँ बहन की मर्यादा आम चौराहे पर लूट लिया करता था, इतना ही नहीं छोड़ छोड़ बच्चे को उठाकर गोली चला दिया करता था। एक दिन सुषमा लड़की जाती है बगीचा में घूमने के लिए, नतीजा ये निकलल, गोगा गुंडा पकड़ लिया,
आबरू के साथ खिलवाड़ करना चाह रहा है। ऐ लड़की, तुम किसके घर की लड़की है? सुषमा बताती है, बाबूजी हम बड़ा गरीब घर की बेटी हैं। बाबूजी हमारे दुनिया के छोड़ के चल गिलान, हमारे साथ खिलवाड़ मत करा। लेकिन नहीं माना, जबरदस्ती उस लड़की की आबरू को लूट लिया। लूटने के बाद सुषमा लड़की के सीने के अंदर गोली चला देता है। इस दुनिया को छोड़ करके लड़की चल बसती है। गाँव के लोग माई से आके बतौलन, आ जब माई से बतौलन तब माई लाश उठा के घरे के लेके अलिन। आ जब घरे लेके अलिन तो उसमें के बात निकल गई विदेशिया के लाइन में कहना बा। अरे लसिया के लेके रोवे, अरे माई बउराइया हो, अजहर अजहर बरा से नया नाम आए बाबूजी। अरे सरिया के फारला सा, अरे बेटी के समारा ली हो, आए हर मंगले मिले ना कफना सीमावा से, अरे बीरा ना की आवती रहली, अयंगना भाईल बायसी मसानावाए बाबूजी। माई अपने बेटी के लाश के अंगना में बैठ के रोवे थी। बारे भगवान, जवानी में पति दुनिया के छोड़ के चल गए, ये हमके का मिलत हो देखे बदे। रोवत है लाश के लेके, तब तक बारे संजोग सीमा पर से लाश मदन भैया के लाश चल आयल। फौजी जवान लोग लाश लेकर के दरवाजे पर पहुंचे, ले जाकर के अंगना में रख दिए। माई कहलन की भैया तुम्हारी बेटी के लाश आ एक एक लाश हो। फौजी जवान लोग रो करके संकेत किए कि मदन भैया के लाश हो। बारे मतारी मतारी आंख में आंसू लेकर के संकेत करना शुरू कर देती है, बेटा तू वादा करके गईला कि हम जात है माई, 6 महीना के बाद आई तो बहन के ब्याह करब, का ब्याह ना करबा, चला ब्याह करा, हम केकर विदाई कहाँ करी हमके समझ में ना आवत बा। एक तरफ राखी रोत बा, एक तरफ कलाई रोत बा, बेटा हमके बता दब कि केकर स्थान हम कहाँ धराई। फौजी जवान लोग संकेत कर दिए कि माई तब मदन भैया के लाश, लेकिन बहन के लाश कैसे भेल बतावा, बहन कैसे मर गई। माँ रो करके पूरी हकीकत बात बताती है। फौजी जमान बौखला गए और बौखला करके कुछ गांव के आदमी को लेकर के पहुंचे गोगा गुंडा के हवेली के पास। पापड़ के लाइन में लिखल गए, अरे चले है ना हरी, अरे खेले कून की होली बोली गूंजल बात, खेले खून की होली बोली गूंजल बाप, अब पापी जहवा करे खूब ठिठोली बोली गूंजली बाप, पापी जहवा करे खूब ठिठोली दबरे दबरे बाप, पापी जहवा करे खूब ठिठोली, पापी जहवा करे खूब ठिठोली बोली गूंजल बोली गूंजल बाप, पापी जहवा करे खूब ठिठोली बोली गूंजल बाप, पापी जहवा करे खूब ठिठोली बोली गूंजल बाप। अरे घेर लिए नौजवान सभी जाची पाथा यानी आई हो, अब बच के नहीं जाई बयाजी यहाँ से कसाई हो, तो छुट्टी सीने में धाय धाय तब गोली बोली गूंजल बात, आया स्मशान पर चली तोरो टोली बोली गूंजल बात। पहुंच गए गोगा गुंडा की हवेली के पास, दारू पी रहा है कमीना। फौजी जमा लोग आवाज दिए, कमीना आजा बाहर, तैश में आ रहा है, कौन आदमी आकर के हवेली के पास हल्ला कर रहा है। जब नीचे उतर कर आया, सीढ़ी से नीचे आ रहा है, तब तक फौजी जमा लोग निशाना लगाए हैं, चला दिए गोली। आज जब गोली लगल
ते ए दुनिया के छोड़ के मम्मा चल गई लन। फौजी जवान लोग कहन कि लसिया उठाए कि तनी चली माई के दिखा दी कि माई दुश्मन इहे हो कि दूसर हो। आल्हा लिखल गेल लेके चलत वन। माई गम ना बर्दाश्त करी, माई भी दुनिया के छोड़ के चल गई। धर्म का बेटा बन करके लोग दाह संस्कार किए और गोगा गुंडा को दाह संस्कार नहीं किए। नतीजा ही निकलल, पत्रिका द्वारा ये प्रमाण मिला कि गोगा गुंडा को काट करके बोटी बोटी रोड पर फेंक दिए। हम बताइला, बुरा काम का बुरा नतीजा न मानो तो कर देखो, जिसने जिसने किया है यारो उसका उसका घर देखो, कैसन कर्म करे चाहिए। आखिरी प्रमाण कवि लिखलन, बाबी।